केजरीवाल जी, मैं एक इंडियन जो पिछले कुछ सालों से अपने देश से दूर रह रहा हूँ अपनी जॉब के कारण, और आज आपसे ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ सीरियस सवाल पूछने हैं। शक्ल इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मकसद पॉपुलर होना नहीं है बल्कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना है। केजरीवाल जी, मुझे ये बताइए, आपको प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप हर उस चीज के पीछे हैं जो मेरे देश को आगे ले जा सकती है? क्यों आप हर चीज में बुराई ढूंढते हैं? क्यों आप इतना ज्यादा हर चीज को पोलिटाइज करने की कोशिश करते हैं जिससे आप अपनी गंदी राजनीति कर सकें, कि आपको देश का नफा नुकसान नजर नहीं आता? कल तक आप रामकृष्ण जी की सोसाइटी पे पॉलिटिक्स कर रहे थे, और आज आप जो नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजन लिया है डीमोनिटाइज करने का, आप उसके पीछे पड़ गए हैं। आप खुद को एक पढ़ा लिखा इंसान कहते हैं, आईआईटी ग्रेजुएट कहते हैं, क्या आपको नहीं मालूम कि इसके कितने फायदे हैं? आपको नहीं मालूम कि ये क्या होता है? मैं बताता हूं आपको। एक 10th क्लास की बुक में भी ये लिखा होता है कि डीमोनिटाइज, हिंदी में बताता हूं आपको, विमुद्रीकरण, अर्थात जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में काला धन एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो उसको खत्म करने के लिए विमुद्रीकरण का सहारा लिया जाता है, जिसके तहत जो एग्जिस्टिंग मुद्रा होती है उसको खत्म कर दिया जाता है और उसके बदले में नई मुद्रा को लाया जाता है, जिससे कि जिसके पास वो पहले की मुद्रा काला धन है वो हिम्मत नहीं जुटा पाता उसको एक्सचेंज करने की, और इस तरीके से काला धन पूरी अर्थव्यवस्था में से खत्म हो जाता है और अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको 10th क्लास की बुक में भी मिल जाएगी, और आप भी इससे भली भांति परिचित हैं कि ये कितना बड़ा कदम है और देश की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा एक फैसला लिया गया है, लेकिन आप इसे भी मानने को तैयार नहीं है। आज आपकी वीडियो देखी और उसको देखने के बाद मन किया कि एक आपसे सवाल किए जाए। मुझे सीरियसली आप बताइए, आप आईआईटी में पढ़ कर गए थे या वहां पर भी आप धरने से ही पास हुए हैं, जो आपको इस डीमोनिटाइज का भी मालूम नहीं है फायदे? आपको नहीं मालूम इससे करप्शन खत्म होगा? आपको नहीं मालूम इससे टेररिज्म के लिए जो फंडिंग आती है वो खत्म होगी? आपको नहीं मालूम इससे इन्फ्लेशन डाउन आएगी, एक आम इंसान जो अपना घर नहीं ले सकता है वो अपना घर ले पाएगा? आपको नहीं मालूम कि इतने लाखों रुपया जब एक बैंकिंग सर्कल में आएगा तो जीडीपी पे इसका क्या असर होगा? सब मालूम है आपको, A to Z, वन टू ऑल सब जानते हैं आप, लेकिन सिर्फ मोदी विरोध के कारण आप देश विरोधी बन गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, इस देश से मैंने आपको बहुत डॉलर भेजे हैं। जब आप यहां से, आपने लोगों से अपील की थी, मैं भी बहुत बड़ा फैन था, लेकिन अब मैं उस एक एक डॉलर का से हिसाब लूंगा। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि अपनी ये गंदी राजनीति बंद कीजिए, मेरे देश को आगे बढ़ने दीजिए। बहुत प्यार करते हैं हम अपने देश से, और निवेदन है उन सब देशभक्तों से भी जो इस वीडियो को देखेंगे, कृपया इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर इंसान तक पहुंच पाए और हर इंसान केजरीवाल जी की असलियत के बारे में जान पाए, ताकि जो थोड़े बहुत मूर्ख अभी भी बचे हैं जो इस इंसान पर विश्वास करते हैं, जैसा कि मैंने भी कभी किया था, वो इसकी सच्चाई जान सके। धन्यवाद। जय हिंद।